जब रितेश देशमुख ने जेनेलिया को किया था मैसेज कि मैं रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ, जाने फिर क्या हुआ। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा हाल ही में कपिल शर्मा के शो में पहुँचे। इस दौरान दोनों ने अपनी रिलेशनशिप और डेटिंग के दिनों से जुड़ी हुई कई बातें बताई। रितेश ने इस दौरान ये भी बताया कि एक बार उन्होंने जेनेलिया को मैसेज कर दिया था कि वो रिश्ता खत्म कर रहे हैं। रितेश ने बताया कि मैंने एक बार जेनेलिया के साथ प्रैंक किया और उन्हें मैसेज भेजा कि मैं रिश्ता खत्म कर रहा हूँ, लेकिन जेनेलिया ने इसे सीरियसली ले लिया। उसके बाद रितेश ने कसम खाई कि वो कभी जेनेलिया के साथ मजाक नहीं करेंगे। वहीं कपिल शर्मा जेनेलिया से शो में पूछते हैं कि रितेश एक्टर तो है ही, साथ ही वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं। तो जब आपकी शादी हुई थी तो फेरे हुए थे या फिर इन्होंने शपथ दिलवाई थी? इसके जवाब में रितेश कहते हैं फेरे लिए थे। उन्होंने आगे कहा कि जब आप शपथ लेते हैं तो 5 साल की सरकार होती है, 5 साल में बदल जाती है। ये सुनकर कपिल शर्मा हंसने लगते हैं। आपको बता दें कि रितेश और जेनेलिया ने कुछ दिन पहले ही ऑर्गन डोनेट करने की प्रतिज्ञा ली थी। जेनेलिया ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं और रितेश इस बारे में लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन अब हम अपने ऑर्गन डोनेट करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। किसी को अगर आप कोई बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं तो वो है जिंदगी का तोहफा। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज में हिस्सा लें और लोगों की जिंदगी बचाने की प्रतिज्ञा करें। आपको बता दें कि रितेश और जेनेलिया साल 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर मिले थे। यहीं से उनके प्यार की कहानी भी शुरू हुई थी। दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में शादी कर ली थी। रितेश और जेनेलिया के 2 बेटे हैं। रितेश देशमुख पिछली बार फिल्म हाउसफुल 4 में नजर आए थे। ये पिछले साल दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी।